गुरुवार को कांग्रेस की सियासत में रणघोष सुनाई पड़ा। अजमेर में हुए कार्यक्रम में सियासी उफान आ गया। पार्टी की सह प्रभारी के सामने कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए तो जोधपुर में अलग ही पोस्टर वॉर दिखाई दिया, जबकि जयपुर में सियासी शोर की शांति के बीच चर्चा शेरों के शायरी की रही। इसमें बहस इसी बात पर रही कि कौन शिकार है और कौन शिकारी। इतना नहीं रण होगा तो भारी भीषण होगा। लाडनू से कांग्रेस के युवा विधायक मुकेश भाकर के रणघोष को 3 दिन ही गुजरे थे कि पार्टी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। सह प्रभारी से मिलने की जद्दोजहद और एक दूसरे की शिकायतों का पुलिंदा पहले थमाने की होड़ मारपीट में बदल गई। अजमेर में संगठन प्रदेश सह प्रभारी अमृता धवन के फीडबैक कार्यक्रम में पहुंचने से पहले ही कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, जमकर लात घूंसे चले। और मैम जो है मीटिंग लेने आई थी, सौहार्दपूर्ण शांतिपूर्ण वातावरण के अंदर मीटिंग होने जा रही थी, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं को लेकर, जो कार्यकर्ता भी नहीं थे, हम जो कहें तो कार्यकर्ता नहीं थे वो कांग्रेस के, क्योंकि मीटिंग थी पदाधिकारियों की और वहाँ दूध डेयरी के जो लोगों को लेकर रामचंद्र चौधरी जी ने वहाँ आके कब्जा करके और जिस तरह से वहाँ मीटिंग का एक तरह से जो पूरा डेकोरम था उसको खराब किया। अजमेर की घटना से कोई 16 घंटे पहले पार्टी की सह प्रभारी अमृता धवन ने पीसीसी में हुई मीटिंग में ये शेर अर्ज किया था। अमृता धवन गालिबन जयपुर से अजमेर तक ही पहुंची थी कि पार्टी के कार्यकर्ता रूपी परिंदों ने ऐसी परवाज भरी कि गूंज जयपुर से लेकर दिल्ली तक जा पहुंची। ये सोचने वाले और समझने वाले के ऊपर है, लड़ाई हमारी भाजपा के साथ है तो किसका शिकार होना चाहिए, बिल्कुल भाजपा से ही लड़ाई है। इस बीच मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र जोधपुर की सड़कों पर लगे हुए पोस्टर्स के चर्चे रहे। इन सब से अलग पूरे देश में ट्विटर पर गहलोत सरकार के महंगाई राहत शिविरों की उपलब्धियों का बखान होता रहा। हजारों लोगों ने कमेंट किए तो गहलोत सरकार के मंत्री विधायकों के चेहरे पर भी मुस्कान दिखी। उत्साहित नेताओं ने हर 5वें साल सत्ता के रिवाज बदलने पर इस बार ब्रेक लगने की बात कही तो कुछ ये भी कहने से नहीं चूके कि बीजेपी वाले भी महंगाई राहत शिविरों में कंबल ओढ़कर फायदा लेने आ रहे हैं। जनता इन पसंद कर रही है, जनता ने तय कर लिया है कि रिवाज बदलना है और इस बार फिर से कांग्रेस की सरकार लेकर आनी है। मंत्री महोदय, महंगाई राहत केंद्र में कामन रोड के बीजेपी वाले भी आ रहे हैं, वे भी आके मैसेज करेंगे आके रजिस्ट्रेशन करवाओ। तो इस कोई भी स्कीम जब मुख्यमंत्री के बैनर तले हो और बीजेपी वाला फायदा उठाने पहुंच जाए तो इसका मतलब समझ लेना की स्कीम कामयाब है। अल्टीमेटम की मियाद पूरी होने में अभी 12 दिन बचे हैं, पर उससे पहले भी सड़कों पर सियासी संग्राम दिखने लगा है। कर्नाटक में सरकार के गठन का रास्ता साफ होने के बाद अब राजस्थान की बारी है, लेकिन सुलह के संकेत कहीं दिख नहीं रहे। बस आगे क्या होगा इसका जवाब सिर्फ और सिर्फ वक्त के ही पास है। सत्ता का शिखर हासिल करने की याचना अब रण में तब्दील होती जा रही है। गांधी और गोखले की पार्टी में नौबत सिर्फ टबल तक आ पहुंची है। कल तक जो कार्यकर्ता साथ साथ मिलकर पार्टी को मजबूत बनाते थे, आज वो एक दूसरे को मारने पीटने पर तुले हैं। ऐसे में इंतजार पार्टी की कार्यवाही का है, उसके बाद ही पता चलेगा कि कौन सियासी योद्धा रणछोड़ है और कौन रणवीर। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज 18 जयपुर।